शहर के 10 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर का कायम। डीईओ सेकेंडरी वसीम सुहेल वैक्सीनेशन सेंटर के फोकल पर्सन तैनात। हाई स्कूल शाहदरा गर्ल्स स्कूल लेडी मैगलटन में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया। हाई स्कूल रायवंड पायलट स्कूल वहादत कॉलोनी में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया। APS मॉडल टाउन और हाई स्कूल गचुमत्ता में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। कैसे इंतजाम किए गए हैं मजीद तफसीलात तो जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जुम्मे 10 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की जिम्मेदारी आयद की गई थी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि 10 स्कूलों में अब जो शहरी हैं वो वैक्सीनेशन करवा सकेंगे और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए और DEO सेकेंडरी वसीम सुहेल भट्ट को फोकल पर्सन जो है वो तैनात किया गया ताकि स्कूलों में जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए उनकी मॉनिटरिंग हो सके और इस हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहदरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लेडी मैगलटन LDS सफदरजहर और दीगर स्कूलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल रायवंड गवर्नमेंट पायलट स्कूल वादल कॉलोनी गवर्नमेंट APS स्कूल मॉडल टाउन गवर्नमेंट हाई स्कूल गजुमता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घोड़ेशाह और गवर्नमेंट स्कूल ताजपुरा स्कीम में ये सेंटर्स जो है वो कायम किए गए और इस हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कामरान सदीक और सईद अंजम को वैक्सीनेशन सेंटर का सुपरवाइजर भी तैनात किया गया है ताकि स्कूलों की एक तो मॉनिटरिंग हो सके और जो शहरियों को कोई मसला पेश आता है वैक्सीनेशन के हवाले से स्कूलों में तो वो जो है उनकी मसाइल जो है वो हल किए जा सके और शहरियों को अब आसानी वैक्सीनेशन करवाई जा सके। जी ठीक है जुनेद रियाज बहुत शुक्रिया आपका।